हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ आप सभी के लिए मूली का साग। तो यहाँ पे मूली की मैंने ताज़ा पत्तियाँ ली हैं, करीब आधा किलो। इन्हें धो के साफ कर लिया था, बारीक काट लिया है स्टेम के सहित। जो स्टेम कोमल है हम उसे ले लेंगे। 4 से 5 आलू लिए हैं मैंने इसे बनाने के लिए, ये कच्चे आलू हैं। साथ में ली है मटर, आपको जितनी चाहिए आप उतनी डाल लें। 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। मसाले के लिए हरी मिर्च ली है बारीक कटा हुआ, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और ये मसाले जो मैं इसमें डालूँगी, राई है, नमक है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये मिर्ची है। इसे मुझे तलना है, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। तो चलिए इसका साग तैयार करते हैं। तेल गर्म हो गया है, मिर्चियाँ तल लेती हूँ मैं। ये साग काफ़ी पौष्टिक होता है और सीजन पे ही आता है, तो सभी को खाना चाहिए। और इसे अलग अलग तरीके से बनाएं तो बोर भी नहीं होते खाने में और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मैंने मिर्च तल के रख ली है, ये सिलू करके मैं इसे निकाल लूँगी ताकि मिर्च जले नहीं। सारी मिर्चों को हमने तल लिया है। ये साग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको इस तरह का साग कैसा लगा। राई डाल दी है मैंने इसमें और ये बहुत कम मसाले से बनती है। जीरा डाल दिया है, इसे तड़कने देंगे अच्छे से। जीरा भुन चुका है तो यहाँ पे हमने बारीक किया हुआ लहसुन रखा है, इसे डाल देंगे। इसमें प्याज नहीं डाल रहे हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आने वाला है। आप बना के खाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ज़्यादा मात्रा में लहसुन डाला है। साथ में हरी मिर्च डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, आप जितना पसंद करते हैं आप उतनी हरी मिर्च डालें। साथ ही डाल देंगे अदरक पिसा हुआ, तीनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये 3 से 4 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें धो के काट लिया है इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में। मसाले के साथ हम इसे भी भून लेंगे और एक अलग तरह की सब्जी बनेगी, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। कभी भी कोई सब्जी बना थोड़ा अलग अलग तरीके से बना तो ज़्यादा अच्छी लगती है और हम बोर भी नहीं होते। तो आलू हमारे कट के तैयार हो गए हैं। लहसुन अदरक भी हमारा भुन चुका है। इसी में आलू मिला देंगे हम कटा हुआ और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। सारा आलू हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लेते हैं। आपने देखा होगा ये रोज वाले मसाले हैं जो हम डाल रहे हैं, कोई भी हटके मसाला नहीं है, तो कोई भी इसे बना सकता है आसानी से। और मूली तो इस समय अच्छी खासी आ रही है,
ढक देते हैं थोड़ा सा, आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं इसे। आलू अच्छी तरह से भुन चुके हैं, सारे मसाले डाल देंगे हम इसमें। हल्दी पाउडर डाल दिए आधी चम्मच, आधी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, एक चम्मच हमने चिली फ्लेक्स भर के डाल दिया है, आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दी है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कटा हुआ टमाटर मिला दिया है, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जब तक टमाटर गल ना जाए। साथ ही हमने गलने के लिए मटर भी डाल दिया इसमें। सभी को अच्छी तरह से भून लिया है। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ गया इनका। थोड़ा सा ढक देते हैं, मटर और आलू हमारे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारा गल गया है, मटर और आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। मूली का साग डाल देंगे इसमें। आप देख रहे हैं हमने वही पत्ते काटे हैं जो सॉफ्ट हैं। और ये बनके बहुत ही टेस्टी भाजी बनेगी इसकी। इस तरह से आप बना के एक बार जरूर देखें, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। साथ में कमेंट्स करते जाएं, कमेंट्स में बताएं कि साग कैसा लगा आपको। सभी को मिक्स कर लूंगी अच्छे से। साग हमारा मिक्स हो गया है, 5 से 10 मिनट लगेंगे और हमारा साग बन के तैयार। अच्छी तरह से भून लिए हमने इसे। और आप देख रहे हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आलू रह गया था, वो भी पक के तैयार हो गया है। चलिए इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, मूली का साग बन के तैयार हो गया है। आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।